नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमितसर क्लासेस में। मैं ये वीडियो तीसरी बार अपलोड कर रहा हूं। एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था कैमरे में, वो जो था मैं अपलोड कर चुका था, फिर वो बेकार क्वालिटी आई, तो फिर पुनः इसको बना रहा हूँ अच्छे क्वालिटी में। अब आशा है कि अच्छा होगा क्योंकि मैंने उसको सही किया है। आइए बात करते हैं। तो मौर्योत्तर काल के समय जब विदेशी शासकों, चार विदेशी शासक थे जिनके बारे में हमने दो के बारे में पढ़ लिया, दो बचे हैं, तो इन दो के बारे में अगर बात किया जाए तो पहले दो कौन से थे? तो सबसे पहले हिंद यवन, यानी जो यवन होते हैं वो भारत पर आक्रमण करते हैं और पश्चिमी भारत पर राज करते हैं। दूसरे बार क्या होता है, शक आक्रमण करते हैं और लगभग लगभग पाँच क्षेत्रों में बंटकर एक अफगानिस्तान हो जाता है और चार क्षेत्र भारत के हो जाते हैं, वहां पे अपने शासन करते हैं। तीसरे नंबर पे पार्थियाई आते हैं, पहलव आते हैं। आखिर ये है कौन पार्थियाई? तो कहा जाता है कि पार्थियाई जो थे ये ईरान के निवासी थे और ये ईरान से चले और भारत के पश्चिमी भाग पर शासन करने लगे। अर्थात क्या हुआ कि जब शक के समय आते हैं, शक के लास्ट में, और शक शासन जब समाप्त हो जाता है तो पार्थियाई अर्थात पहलव आते हैं और भारत के पश्चिमी भाग पर क्या करते हैं, शासन करने लगते हैं। और जो पश्चिमी भाग है उसे कह सकते हैं कि उत्तरी और पश्चिमी भाग हम बोल सकते हैं इसे, ये तक्षशिला होता है। ये ईरान से आएंगे और तक्षशिला पे अपनी राजधानी बनाएंगे और शासन करने लगेंगे। फाइनली इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाते हैं। इस वंश का जो पहला वंश है, इस वंश का संस्थापक जो है मिथ्रेडेटस प्रथम है। ठीक है, मिथ्रेडेटस प्रथम ने क्या किया था, पहलो वंश की स्थापना की थी और पहलो वंश की स्थापना उसने 171 ईसा पूर्व में 171 BC में उसने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। और लगभग लगभग 130 यानी 130 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया, ये हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद बहुत सालों बाद अब ईसवी में आते हैं, पहलो शासन चलता है ईसा पूर्व से लेकर ईसवी तक पहला शासन चलता है। ठीक है, तो कहते हैं कि पहला शासक में एक शासक था गोंडोफर्निज। गोंडोफर्निज क्या करता है, 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, इसके बारे में एक पाकिस्तान के पेशावर में एक अभिलेख है जिस अभिलेख का नाम है तख्ते बही अभिलेख। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि तख्ते बही अभिलेख कहां पे है तो आप बताएंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है तो आप बताएंगे पेशावर में। ठीक है, तो पेशावर में एक अभिलेख है तख्ते वही, उस अभिलेख से गोंडोफर्निज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और बताया जाता है कि ये लगभग लगभग 20 से 41 ईस्वी तक क्या किया, यह शासन किया और यह महान शासक था। इसके समय में, गोंडोफर्निज के समय में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आते हैं। ठीक है, और उस ईसाई धर्म प्रचारक का जो नाम होता है, उसका नाम होता है सेंट थॉमस। अर्थात पहली बार सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक गोंडोफर्निज के शासनकाल में आता है। आपको पता, अब इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो ईसाई हैं पहली बार प्राचीन समय में पहलो वंश के शासनकाल में धर्म प्रचार के लिए आते हैं। तो फिर मॉडर्न काल में कब आते हैं, अंग्रेजों के काल में कब आते हैं? तो कहते हैं कि अंग्रेजों के काल में जो इनको धर्म प्रचार की छूट मिली थी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आपको पता होगा कि यह 1813 का चार्टर एक्ट है क्या, तो मैं कहूं कि 1793 से जो ब्रिटेन सरकार थी उसने कहा कि हम 20 साल पे अपने कानून को क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, यानी कंपनी के जो एकाधिकार है हर 20 साल पे रिफॉर्म करेंगे। तो 1813 में एक कानून आता है और कानून के तहत क्या किया जाता है, जिसे राजलेख कहते हैं, 1813 का राजलेख, क्या किया जाता है, जो कंपनी का एकाधिकार होता है उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन कंपनी के दो एकाधिकार को बनाए रखा जाता है। पहला एकाधिकार होता है चीन, जो चीन देश है, चाइना है। ठीक है, और दूसरा एक अधिकार होता है चाय। कई बार क्या होता है ना कि चीनी और चाय लिख देता है। ठीक है, तो चीनी और चाय, बच्चा क्या समझता है कि चीनी और चाय का मतलब हो गया कि चीन के चाय के साथ चीनी का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है,
तो उस चीनी की बात नहीं कर रहा, वो शुगर की बात नहीं कर रहा, वो चाइनीज़ की बात कर रहा है कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा जो चाइनीज़ थे उनके साथ अंग्रेज जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो व्यापार कर सकती है और वो चाय का व्यापार कर सकती है। और साथ ही साथ 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट मिली और वो धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आते हैं। इस प्रकार अगर कहा जाए तो पहलव काल में भी ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं और कहा जाए तो कंपनी के शासन काल में भी ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं। आपको ये दोनों बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इस समय का प्रश्न आ रहा है वो अप्लाइड फॉर्म पे आ रहा है, अर्थात प्राचीन समय को लेके एडवांस समय से ऐड कर देंगे, इसलिए मैं इस प्रकार की चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। आइए अब इस पर एक प्रश्न कर लेते हैं। अब प्रश्न देखा जाए तो कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए मैंने एडवांस लेवल का प्रश्न बनाया है, कह रहे हैं कि पल्लव के शासनकाल में सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए, बात सही है ठीक है। फिर कह रहा है 1813 के राजलेख द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ये भी बात सही है। अर्थात कहा जाए ये दोनों जो प्रश्न है ये दोनों सही हैं, यानी दोनों जो कथन है ये सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन एक व दो, दोनों सही है ठीक है। तो ये हो गया, हम पहलो वंश के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कनिष्क कुषाण वंश के बारे में और कनिष्क को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। चौथे वंश के बारे में बात करें, जो विदेशी शासक थे वो कनिष्क कुषाण वंश आता है। मुझे कनिष्क का याद आ रहा है क्योंकि कनिष्क इसका महानतम शासक था। कहते हैं कि जो कुषाण वंश था वो चाइनीज वंश था ठीक है। चाइना में पांच जनजातियां रहती थी, उन जनजातियों में एक जो जनजाति थी उसका नाम था यूची जनजाति। यूची जनजाति जो थी ये पाकिस्तान सॉरी चाइना के चीन में पांच जनजातियां थी, उनमें से एक जनजाति यूची जनजाति थी। और जो यूची जनजाति थी ये चीन के पश्चिम भाग में जो चीनी तुर्किस्तान है वहां पे ये निवास करते थे। क्लियर, पश्चिम भाग में चीनी तुर्किस्तान में। अब क्या होता है, इन यूची जनजाति को जो अन्य जनजातियां हैं उनको मार के भगा देती हैं और ये भगने के बाद भारत में आते हैं और किस प्रकार आते हैं इनकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन पहले उससे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये जनजाति कैसे राज कर सकते हैं, कैसे ये शासन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी जब मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में होता है ठीक है, आपको पता है ना कि अफ्रीका महाद्वीप क्या है, मानव की जन्मस्थली है। जब अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों से मानव की उत्पत्ति होती है और मानव चारों दिशाओं में जब फैलता है तो वह एक जनजाति के रूप में ही फैलता है ठीक है। अब उन जनजातियों में कुछ ऐसे जनजाति हैं कि जो अपने आप को कबीले में संगठन करते हैं, कबीलों के साथ जन्मे बदलते हैं और अपने आप को राजा के रूप में बदलते हैं। अर्थात जिन राजाओं की उत्पत्ति हुई वो कबीले से अर्थात कहूँ जनजाति से। जनजाति है क्या, आखिर ये जनजातियां हैं क्या? आपने देखा होगा एक हमारा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसपे एक सेंटिले जनजाति वहां पे पाई जाती है, बहुत ज्यादा फेमस जनजाति है। आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि ये सेंटिले जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। तो जो सेंटिले जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। और आप अगर उनको सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, जो सेंटिले जनजातियां हैं वो क्या करती हैं, आज भी वही पुरानी ट्रेडिशन, धनुष बाण लेके वही पतियों के कवर करके अपने आप शरीर को ढके हुए हैं, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, वही पुरानी की पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि वह समूह जो अपने पुराने कल्चर में रहा ठीक है, नए कल्चर का विरोध किया वो जनजाति कहलाए। भाई हम क्या है, हम नए कल्चर को अपना रहे हैं इसलिए हम जनजाति नहीं है। अगर हम भी आज भी पुराने कल्चर को अपनाए रहते, वैसे के वैसे आदि मानव जैसे जाते, जंगल से आखेट करके आते ठीक है, पशुओं को खाते, कंदमूल खाते, तो हम क्या है, जनजाति हैं। तो जनजाति वो होती है कि जो प्राचीन जो अपनी पुरानी सभ्यता है उन सभ्यताओं का विरोध कर, मतलब उसको बदलती नहीं है, उन्हीं सभ्यताओं में चलती हैं, वो जनजाति कहलाती हैं। तो ये लोग भी क्या थे, यूची भी एक जनजाति थी चाइना की। अब ये चाइना से निकलती है आगे बढ़ती है क्योंकि चाइना में जो पांच जनजातियां हैं इनको भगाती हैं। यूची जनजाति को
तोचेरियन या तोखरी भी कहा जाता है। यह आपसे बार बार प्रश्न पूछता है। पहली बात तो यही पूछता है कि कुषाण वंश किस जनजाति का है, तो वो तो यूची जनजाति है, ठीक है। अब जो ये यूची अर्थात तोचेरियन या तोखरी जो जनजाति है, वो चाइना से निकलती है और चाइना से निकलने के बाद बैक्ट्रिया अर्थात अफगानिस्तान में पहुंचती है। अफगानिस्तान के बाद ये भारत में आती है, ठीक है। आपको आइए मैप दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। ये जरा देखिएगा, ये है आपका कुषाण एम्पायर। ये देखिए, ये रहा कुषाण एम्पायर। जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग है, ये कुषाण एम्पायर है। कहते हैं कि ये जो है चाइना से निकली, चाइना से निकलने के बाद सिंधु, और सिंधु के बाद ये अपना यहाँ पे तक्षशिला में ये अपना आई, और तक्षशिला के बाद यहीं पे इसने पुरुषपुर अर्थात पेशावर में अपनी राजधानी बना दी। ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैं सर्कल किया हूँ, ये है इनकी डायरेक्टली रूल। जो कुषाण बंती इस भाग में डायरेक्ट रूल करते थे। अब ये जो डॉट डॉट भाग देख रहे हो, जिसमें उज्जैन, विदिशा, पाटलिपुत्र, इस पर इनडायरेक्टली ये लोग क्या करते थे, शासन करते थे। अब यहाँ पे देखिए, सातवाहन, पांड्य और चोल, यहाँ पे ये शासन नहीं करते थे। अर्थात अगर कहा जाए तो ये भाग जो है इनके शासन का भाग है। क्लियर। अभी आगे और पढ़ेंगे, आपको कनिष्क के बारे में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। पढ़ने का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूं आप ढूंढ लीजिएगा, आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं, तो ये जो कुषाण वंश है ना, अगर कहा जाए तो कुषाण वंश में जो कनिष्क था बंदा, वो क्या किया था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है, बौद्ध धर्म को। लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद भी वो किसी अन्य धर्म की बुराई नहीं किया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें सेकुलरिज्म की भावना थी, अर्थात उसमें धर्म निरपेक्ष की भावना थी, वो किसी धर्म की बुराई नहीं करता था, ठीक है। यही कंडीशन अशोक में भी था। अशोक भी क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाने के बावजूद भी किसी अन्य धर्म पे कहा जाए तो कुठाराघात नहीं किया था, कि ना किसी धर्म को समाप्त किया था। अर्थात उनके राज्य में बौद्ध धर्म होने के बावजूद भी अन्य धर्म के लोग भी बहुत अच्छे से रहते थे। इस प्रकार कहा जाए तो ये जो शासक थे, ये पंथ निरपेक्ष शासक थे, यानी धर्म निरपेक्ष शासक थे, सेकुलर शासक थे। और यही कंडीशन आपके सम्राट जो है अकबर के बारे में भी आता है। यही कारण है कि तीन लोगों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, अशोक, कनिष्क और अकबर, ठीक है। अब देखिए, हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा, ठीक है। और ये जो शब्द है, ये धर्म निरपेक्ष शब्द लिया गया, ये फाइनली अमेरिका के संविधान से लिया गया था, पंथ निरपेक्ष। ये कई बार पूछा जाता है कि जो पंथ निरपेक्ष है, ये तो आपको बता दिया कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ये कई बार प्रश्न आता है। और ये भी पूछा जाता है कि आखिर पंथ निरपेक्ष होता क्या है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर किसी भी देश का, कि मतलब कोई देश है, अगर वो किसी अन्य धर्म को फॉलो नहीं करता है, वो सब धर्म को एक समान दृष्टि से देखता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या सेकुलर कहते हैं। तो बात करें, हमने इनकी उपाधि की बात की थी, ये जो कुषाण थे, ये रोमन जो साम्राज्य थे वो लोग कैसर या सीजर की उपाधि धारण करते थे। जो यूरोप के रोमन साम्राज्य था, वहाँ के जो राजा थे वो कैसर और सीजर की उपाधि धारण करते थे। उन्हीं के भांति जो कुषाण शासक थे वो भी उपाधि धारण करते थे, और वो उपाधि कैसर या सीजर की उपाधि धारण करते थे। अब देखिए बात करते हैं, इनके बहुत से शासक होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उन्हीं के बारे में बात किया जाए। एक है कुजुल कटफिसेस, दूसरा है भीम कटफिसेस, तीसरा है कनिष्क और चौथा है हुविस्क। अब बात करें कि आपको याद करने में जो कटफिसेस वाले हैं इनको समस्या होगी, आप बस दिमाग में रख लीजिए, कवि, क फॉर कुजुल और वी फॉर भीम, पहले क आया फिर वी आया, यानी कुजुल कटफिसेस पहला हो गया और भीम कटफिसेस दूसरा हो गया। यहां से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कुजुल कटफिसेस के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं कि भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कटफिसेस ही था। और इसने क्या किया था, जो पश्चिमी क्षेत्र था जहाँ पे, यानी तक्षशिला, पुरुषपुर था, जो पाकिस्तान का क्षेत्र था,
वहां पर इसने रोमन सिक्कों की नकल करके उसी प्रकार के सिक्के चलाया था और तांबे के सिक्के चलाया था। जो कुजुर कडफिसेस था, रोमन सिक्के की नकल करके भारत में तांबे के सिक्के चलाया था। बात क्लियर। दूसरा आते हैं भीम कडफिसेस। भीम कडफिसेस के बारे में कहा जाता है कि यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, अगर एक तो स्थापना करने वाला होता है और दूसरा ये होता है कि जो साम्राज्य को बहुत विस्तृत कर दे, उसको वास्तविक मान लिया जाता है। ठीक है, तो भीम कडफिसेस ने क्या किया था, साम्राज्य को विस्तृत किया था, इस कारण इसे वास्तविक संस्थापक मान लिया जाता है। ठीक है, तो भीम कडफिसेस जो था कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, और जबकि संस्थापक कौन था, कुजुर कडफिसेस। अब इसने क्या किया, सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। आइए हम जरा देखते हैं मैप के द्वारा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहा क्षेत्र आपका सिंधु नदी। अब सिंधु नदी जो है ये है तिब्बत की क्षेत्र, यहाँ पे मानसले सरोवर ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर पे एक झील है जिसका नाम है बोखरचू। ठीक है, इस बोखरचू से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ पे नंगा पर्वत के पास ये एक गार्ज बनाती है। अब गार्ज क्या होता है, तो कहते हैं कि जब नदी समुद्र तल को प्राप्त कर ले उसे ही गार्ज कहते हैं, मतलब बहुत गहरा हो जाए। आपने एक मूवी है हीना मूवी, जब ऋषि कपूर लास्ट में भारत पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करता है तो आपने देखा होगा कि एक नदी को पार करते हुए रस्सी से, रस्सी बंधा हुआ है, उस रस्सी से वो पार करता है, उसके नीचे नदी बहती है बहुत गहराई में, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर उसमें के बीचों बीच वो नदी बहती है, तो वही नदी सिंधु नदी होती है। अर्थात नदी उतने ऊंचाइयों से काट काट के उतनी गहराई को जो प्राप्त की है उसे ही गार्ज कहते हैं, अर्थात वो समुद्र तल को प्राप्त कर ली। अब ये रहा सिंधु, बस अब सिंधु आगे बढ़ के क्या होगी, यहाँ पे अरब सागर में मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, जो भीम कडफिसेस थे ये आगे बढ़ते हैं और इस सिंधु को पार करते हैं और यहाँ पे इस तक्षशिला को, ठीक है, और ये रहा पंजाब का क्षेत्र, इस पंजाब के क्षेत्र को ये क्या करते हैं, विजित कर लेते हैं। कौन, भीम कडफिसेस। क्लियर। अब जरा देखिए, कहते हैं कि एक चीनी ग्रंथ है हाउ हानसू, ठीक है, और हाउ हानसू जो ग्रंथ है चीनी, उसमें कहा जाता है कि जो भीम कडफिसेस थे उन्होंने ती एनचू, बड़ा बढ़िया नाम है, हाउ हानसू और ती एनचू। हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, जब कोई चीजें याद ना हो ना तो उसको मजे में पढ़िए, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाउ हानसू ती एनचू, ठीक है, इसी प्रकार आप बोलते जाइए, बोलने से क्या होगा ना, ये याद हो जाएगा। जैसे हाउ हानसू जो है ये एक चीन की ग्रंथ है और इस ग्रंथ में बताया जाता है कि जो भीम कडफिसेस थे उन्होंने ती एनचू को जीता था। अब ये ती एनचू है क्या यार, ठीक है, तो कहते हैं कि जो ती एनचू के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, यह ती एनचू है सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र, यानी जो पंजाब है जहाँ पे सिंधु द्वारा सिंचाई हो जाती है, यानी सिंधु के आसपास का पंजाब का जो क्षेत्र है वही ती एनचू है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है हाउ हानसू ती एनचू, वैसे आपको ऑब्जेक्टिव देना है, 2-4-5 बार बोलेंगे आपका तैयार हो जाएगा, हाउ हानसू और ती एनचू। तो ती एनचू क्या है, एक क्षेत्र है, और हाउ हानसू क्या है, एक ग्रंथ है। अब भीम कडफिसेस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, और बड़ी मात्रा में नहीं, यही पहले शासक हैं और यही पहला वंश है, कुषाण पहला ही वंश है जिसने क्या किया था, सोने के सिक्के जारी किया था। क्लियर। अब देखिए, अब इनके सोने के जो सिक्के जारी किए थे उनके एक तरफ क्या थी, यूनानी लिपि थी और दूसरे तरफ खरुष्टी। आपके जो सिक्के होते हैं अपने भाई, एक तरफ कोई नंबर लिखा होता है, दूसरी तरफ कोई सिंबल होता है, सेम वही कंडीशन थी कि जो उनके सोने के सिक्के थे भीम कडफिसेस के, उसके एक तरफ यूनानी लिपि थी और दूसरे तरफ खरुष्टी लिपि थी। अब जो भीम कडफिसेस थे वो सैव मतानुयायी थे, यानी शंकर भगवान को मानने वाले, इस कारण ये महेश्वर की उपाधि धारण किए थे और साथ ही साथ अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति भी क्या किए थे, छपवाए थे। ठीक है, तो ये शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति इनकी सिक्कों पर मिलते हैं, साथ ही साथ ये अन्य उपाधियां भी धारण किए थे। जिन उपाधियों में भीम कडफिसेस जो थे अन्य उपाधियां धारण किए थे, जिन उपाधियों में कहा जाता है महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर इत्यादि प्रकार की उपाधि धारण किए थे। क्लियर। तो इस प्रकार भीम कडफिसेस के बारे में हमने स्टडी किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं, यहां पे आते हैं क्वेश्चन के बारे में।
देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, कहा जाता है कि कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भागों पर सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। बात सही है, जो आपका कुजुल कडफिसस था, जो संस्थापक था कुषाण वंश का, उसने क्या किया था भाई? पश्चिम हिस्से पे तो था, तक्षशिला पेशावर के पास, तो उसने क्या किया था? वो पश्चिम हिस्सा है तो हुआ, उत्तरी हिस्सा बोल लीजिए या उत्तर पश्चिम हिस्सा बोल लीजिए, वहां पे ये क्या करते हैं? तांबे के सिक्के जारी करते हैं। बात सही। दूसरा कह रहा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का प्रचलन भीम कटफिसेस को जाता है। हाँ, यानी कुषाण वंश को, और कुषाण वंश में किसको? भीम कटफिसेस को जाता है। ये भी बात सही। कुजुल कटफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है। नहीं, कुजुल के नहीं, भीम कटफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है। इस प्रकार अगर बात किया जाए तो पहला और दूसरा क्या है? ऑप्शन सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो डी ऑप्शन है, पहले और दूसरे को क्या कर रहा है? सही कर रहा है। मैं आपसे पुनः कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपको इस प्रकार की वीडियो कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये मेरा वादा है। मैं स्पेशली जो UPPCS का या इस वर्तमान समय में जो भी एग्जाम चल रहे हैं, उनके अप्लाइड फॉर्म पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर मैं ये प्रश्न बना के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद स्टडी के लिए।